हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, अभी मैंने अक्षय कुमार की आने वाली मूवी लक्ष्मी बॉम्ब का लेटेस्ट सॉन्ग देखा, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। अबे ये नहीं, अबे हटा इसको, ये कोई और है। हाँ ये, और दोस्तों ये सॉन्ग देख के मैं अक्षय कुमार को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, अरे सर, कियारा आडवाणी को पूरा बुर्ज खलीफा दिलवा रहे हो, उसमें से 2 फ्लैट हमें भी दिलवा दो, भगवान की दुआ लगेगी आपको। अबे साले, हमेशा मांगता ही रहता है। तो दोस्तों सॉन्ग बढ़िया है, अकॉर्डिंग टू पार्टीज ओनली, क्योंकि ये एक पार्टी सॉन्ग है, तो आप पार्टीज में कुछ भी बजाइए, लोग नाचेंगे, वहां पे ये सॉन्ग हिट रहेगा। लेकिन अगर मैं इस सॉन्ग को पर्सनली देखूं, और लोग जो बार बार सुनते हैं ना एक सॉन्ग को, वैसा सॉन्ग ही नहीं है। आप इस सॉन्ग को 3 या 4 बार सुन पाओगे, 5वीं बार आप इस सॉन्ग को सुनने जाओगे तो आप पक जाओगे, सिर्फ और सिर्फ इसके लिरिक्स की वजह से। आधे सॉन्ग तक इसके लिरिक्स बढ़िया से चल रहे थे, लेकिन आधे सॉन्ग के बाद इन्होंने जो लिरिक्स को घुमाना शुरू किया है, लिरिक्स को गुड़ गोबर करना जो शुरू किया है ना, वो देख के मुझे मजा नहीं आया। और दोस्तों क्या आप जानते हैं, अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है, अक्षय कुमार ने प्रॉपर्टी डीलर्स का भी धंधा शुरू कर दिया। अब आप कहोगे अबे क्या उल्टी पुल्टी फेंक रहा है, नहीं विश्वास होता, मैं विश्वास दिलाता हूँ ना। तो जैसे कि आप जानते हैं, अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी गुड न्यूज, उसमें वो करीना कपूर को चंडीगढ़ में घर दिलवा रहे थे। अब अक्षय कुमार की पिक्चर आई है लक्ष्मी बॉम्ब, और इस पिक्चर में वो कियारा आडवाणी को पूरा बुर्ज खलीफा दिलवा रहे हैं। तो भाई साहब, बंदा प्रॉपर्टी डीलर का काम नहीं शुरू करेगा तो और कौन से काम में ऐसी चीजें करेगा? अरे भैया, ये आदमी करेगा क्या क्या, मूवीज ये करता है, प्रॉपर्टी डीलर का काम इसने शुरू कर दिया, ये बंदा सेना में भी जाना चाहता है। बेरे को तो लग रहा भाई साहब, कल को ये आदमी हमें भी कहेगा, अरे तुम क्या कर रहे हो यूट्यूब पे, तुम हटो, मैं बनाता हूँ ना वीडियोस। अरे दादा, इसी आदमी की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है इंडिया में, सारे काम तो खुद ही कर लेता है। दोस्तों मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना, ये नहीं कि भाई साहब कमेंट में जाके गालियां लिख रहे हो, तूने अक्षय कुमार को गाली कैसे दी, इट्स जस्ट अ प्रैंक ब्रो। और दोस्तों बात करें कियारा आडवाणी की, कियारा आडवाणी सॉन्ग में क्या लग रही है यार, मजा आ गया देख के। दुबई में तो वैसे ही गर्मी पड़ती है, कियारा आडवाणी ने तो वहां पे और गर्मी बढ़ा दी होगी, मजा आ गया यार। साला ठरकी। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इस सॉन्ग को इस हिसाब से किसने डिजाइन किया, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा एक पहला पार्टी सॉन्ग है जिसमें डांस नाम की तो चीज ही नहीं है, बस एक दो स्टेप है, ए, 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 वो तो भाई साहब नाम के लिए डाले गए हैं, बाकी इसमें डांस तो है ही नहीं। अरे भाई साहब, पार्टी सॉन्ग होता है, तुम डांस डालो भाई साहब, मजा डालो, देखने में मजा है, लेकिन इस सॉन्ग में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और दोस्तों इस सॉन्ग को गाया है शशि और निकिता गांधी ने, और शायद कंपोज किया है शशि और डीजे खुशी ने, तीनों का काम बहुत ही बढ़िया। और भाई साहब निकिता गांधी की वॉइस, मजा आ गया सुन के, जब निकिता गांधी की वॉइस आती है ना, अरे वाह 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 वाह, दिल हिल जाता है एकदम। लेकिन दोस्तों लिरिक्स, और दोस्तों अक्षय कुमार इस सॉन्ग के अंदर क्या लग रहे हैं, मजा आ गया यार देख के। उस बंदे को जिस हिसाब से अरेबियन लुक, रॉक स्टार लुक, पॉप लुक दिया है ना, मजा ही आ गया देख के, उस बंदे का लुक एकदम जच रहा था उसके ऊपर। और भाई साहब इस चीज से पता चलता है कि उस बंदे को जो मर्जी रोल दे दो, उस बंदे को जो मर्जी लुक दे दो, वो बंदा उस लुक के अंदर, उस रोल के अंदर आराम से फिट हो जाएगा और उस चीज को बखूबी निभा भी देगा। मैं तो भाई साहब कल से वेट कर रहा था इस सॉन्ग की, जब मैंने इस सॉन्ग का टीजर देखा, और भाई साहब जब ये आज सॉन्ग आया और सॉन्ग देखने के बाद मुझे पता चला ना, इन्होंने इस सॉन्ग के अंदर सर्कस कर रखा है, कियारा आडवाणी को से हाथ पे उछाल रखा है, कभी कियारा आडवाणी अक्षय कुमार को हाथ पे उछाल रखी है, वो देख के और लिरिक्स सुन के जिंदगी से तो विश्वास ही उठ गया है मेरा। तो दोस्तों ओवरऑल मियां खलीफ, सॉरी बुर्ज खलीफा एक डिसेंट सा बढ़िया सा सॉन्ग है। अगर आप इस सॉन्ग को पार्टी में बजाने का सोच रहे हैं तो भाई साहब आप बहुत ही बढ़िया काम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सॉन्ग पार्टी के ही लायक है, आप इस सॉन्ग को पार्टी में बजा सकते हैं और बढ़िया से डांस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस सॉन्ग को मैं अपनी गाड़ी में लगाऊंगा और भाई साहब आते जाते इस सॉन्ग को सुनूंगा, तो भाई साहब वो आपकी मर्जी है, आप सुन सकते हैं, लेकिन आपको बाद में मेहनत करनी पड़ेगी गाना बदलने के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा सॉन्ग रिएक्शन इस बुर्ज खलीफा का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, जैसे ही मैं कोई आगे बढ़िया वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टाटा गुड बाय, टेक केयर।